ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों का 2 जून और 3 जून। जून महीने के ये दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे, इन दो दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। जन्म कुंडली हस्तरेखा से संबंधित अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल कर लीजिए, कॉल नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको जो उचित लगे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसा रहेगा ये दो दिन आपके जीवन का। दोस्तों इन दो दिनों में वाणी का प्रभाव दूसरों पर गहरी छाप छोड़ेगा, इसलिए संयमित और विनम्र बने रहिए। किसी व्यक्ति की बातें आपके मन जो है मान सम्मान को चोट पहुंचा सकती हैं, इसलिए कार्यस्थल पर अपनी बातों को रखते हुए पूरी गंभीरता से बनाए रखें। कारोबारियों के लिए सतर्क रहने का दिन है, कोई भी बड़े लाभ दिखाकर आपको साथ जो है आपके साथ ठगी कर सकता है। युवाओं को भविष्य के लिए अत्यधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थिति आपके अनुकूल है, परिश्रम पर फोकस बनाए रखें। यूरिन इन्फेक्शन के प्रति अलर्ट रहना चाहिए इन दो दिनों में। दोस्तों ये दो दिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, उन्हें साफ सफाई और पोषण के प्रति जागरूक करके रखें। ये दो दिन जो है परिस्थितियां आपके लिए कठिनाई खड़ी कर सकती हैं, मगर अपनों का साथ आपको सभी मुश्किलों से बाहर ले जाएगा। ऑफिस में दिन सामान्य रहेगा, सभी का काम समय से पूरे होंगे, व्यापार में भी अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। दोस्तों माल की लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान थोड़ी सतर्कता रखें, किसी कर्मचारी की चूक की वजह से इन दो दिनों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। युवा वर्ग को सोच समझ कर बोलना चाहिए, ध्यान रखें कि आपकी कही गई बातें आपके मित्र सहपाठी या शिक्षक को बुरी लग सकती है। स्वास्थ्य को लेकर पेट संबंधी दिक्कतें इन दो दिनों में परेशान करेंगी। भूमि या मकान में निवेश करना चाहते हैं तो इन दो दिनों में प्लानिंग कर सकते हैं, आपके लिए उपयुक्त है। दोस्तों ये दो दिन नकारात्मक लोग जो है दिमाग में जहर घोलने का प्रयास कर सकते हैं आपके। खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास आपको इन दो दिनों में करना चाहिए। करियर के प्रति फोकस बढ़ाइए और गलतियों से बचिए। कारोबार के लिहाज से ये दो दिन रोज़मर्रा की वस्तुओं का व्यापार करने वालों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। युवा वर्ग करियर के लिए वरिष्ठ जन या फील्ड के जानकारों के साथ समय बिताएं। गर्भवती महिलाओं को सेहत के प्रति सजग रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों समस्या में डॉक्टर की सलाह इन दो दिनों में जरूर लीजिए, बिना सलाह के कोई भी दवा का सेवन मत करिए। कीमती सामान को जो है पूरी तरह से सुरक्षित रखिए, अन्यथा चोरी होने की आशंकाएँ दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इन दो दिनों में स्वास्थ्य ठीक ना हो तो अत्यधिक काम का दबाव अपने कंधों पर ना लें। घर में पालतू जानवर हैं तो उनकी सेवा और देखभाल करें। ऑफिस हो या बाहर दूसरों की मदद इन दो दिनों में आपको करनी पड़ सकती है। दोस्तों इन दो दिनों में कोई मदद मांग रहा है तो बिना देर की हर संभव उसकी मदद करने का प्रयास करें। कारोबारियों को व्यापार में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों स्टाफ को भी सावधान रख कर दें, मतलब कि ग्राहकों के साथ किसी भी तरीके की अभद्रता इन दो दिनों में ना करें, बहस ना करें। दोस्तों स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने की आशंकाएं इन दो दिनों में दिखाई दे रही हैं। खरीदारी के दौरान ज़रूरत और सहूलियत का अंतर देखकर ही निर्णय लीजिए। ये दो दिन आपके लिए कोई बुरा कर सकता है, नाराज ना हो, आप अपनी कमियां दूर कर अच्छा करने का प्रयास इन दो दिनों में करें। दोस्तों आपके विरोधी ये दो दिनों में असफल रहेंगे आपको परास्त करने में। ऑफिस में कामकाज बढ़ेगा जिसके चलते देर तक बैठना पड़ सकता है। दोस्तों मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ये दो दिन नए अवसर लेकर आएगा, ध्यान रखिए कि थोड़े लालच के लिए ट्रांसफ़र या प्रमोशन की जल्दबाजी मत दिखाइए इन दो दिनों में। दोस्तों कपड़ों के कारोबारियों को इन दो दिनों में अच्छा मुनाफा होगा, स्वास्थ्य को लेकर अधिक से अधिक पानी पिए, अन्यथा इन दो दिनों में डिहाइड्रेशन हो सकता है। कोई पूजा पाठ छूट गई है तो श्री कृष्ण जी का ध्यान रखकर फिर से शुरू कर देना चाहिए। ये दो दिन ध्यान रखें कि क्रोध में आकर अपना नुकसान ना करवा बैठें, सजग और सतर्क रहें। विरोधियों के षड्यंत्र का जवाब देने के लिए तैयार रहें, प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। हाल में कोई नौकरी ज्वाइन की है तो लापरवाही ना बरतें,
बर्तन के कारोबारियों को अच्छा लाभ इन दो दिनों में मिलेगा। दोस्तों धातु या सोना चांदी का कारोबार कर रहे लोगों के लिए दो दिन अच्छा है। दोस्तों रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है तो एक बार डॉक्टर से चेकअप अवश्य करा लीजिए। दोस्तों इन दो दिनों में एक कल यानी कि सिंगल फैमिली में रहने वालों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। परिजनों का ध्यान रखें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। दोस्तों ये दो दिन जो है संस्कारों को ताक पर रखकर कोई भी कार्य मत करिए। घर हो या समाज, कार्यस्थल हो या कारोबार, हर जगह सभी का मान सम्मान करना इन दो दिनों में अनिवार्य है। बॉस की चुपती हुई बातों से आप नाराज हो सकते हैं। खुदरा व्यापारी सप्लाई चेन प्रभावित होने से परेशान रह सकते हैं। स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ सकता है। युवाओं को अपने से बड़ों के साथ किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान की आशंकाएं हैं। छोटी सी बीमारी की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य को लेकर नियमित निगरानी की मुद्रा बनाए रखें। मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, अन्यथा वह नाराज हो सकते हैं। दोस्तों ये दो दिन व्यस्त रहें और मस्त रहें। यही दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपको फोकस करना है। ऑफिस में कठिनाइयों भरा काम सौंपा जा सकता है, कोई हिचकिचाहट ना दिखाएं, पूरे उत्साह के साथ करें। कारोबार को लेकर इन दो दिनों में लाभ की स्थिति है, ध्यान रखें। बड़ा स्टॉक मैनेज करते हुए अपने लेन देन का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों इन दो दिनों में आलस्य को छोड़कर विद्यार्थी वर्ग अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए उनको, अन्यथा परिणाम खराब हो सकता है। सेहत में छोटी मोटी बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं तो तत्काल उनका इलाज करा लीजिए। भाई बहन को धैर्य रखते हुए उनको आगे बढ़ने की सलाह दीजिए। बड़ों को उल्टे जवाब देना मुश्किल में डाल सकता है इन दो दिनों में। बड़े जो हैं आपसे, उनको बहस मत करिए, उनसे उल्टा जवाब मत करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों इन दो दिनों में रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद है। नौकरी में महत्वपूर्ण काम करने पड़ सकते हैं। कारोबारियों के लिए लंबे समय से आ रही बाधाएँ आज दूर होती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों कुछ परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है। ग्राहकों के साथ तालमेल बनाए रखें। स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां राहत भरी रहेंगी, लेकिन बढ़ते वजन के प्रति इन दो दिनों में सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अन्यथा भविष्य में बीमारियां घेर सकती हैं। दोस्तों इन दो दिनों में ससुराल पक्ष से किसी आयोजन के लिए निमंत्रण मिल सकता है आपको। पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित हों। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो मित्रों का सलाह और सहयोग इन दो दिनों में प्राप्त होगा आपको। धैर्य बनाए रखें। दोस्तों इन दो दिन में धर्म कर्म को बढ़ाने की आवश्यकता है। मन अशांत रह सकता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, मन शांत होगा। दिनचर्या में पूजा पाठ को अवश्य शामिल करिए। ऑफिस के कामकाज के साथ साथ अपने सेहत की भी इन दो दिनों में परवाह करनी चाहिए आपको। खानपान और व्यायाम को लेकर सतर्क रहना है। खुदरा व्यापारियों को उधारी देने से बचने की आवश्यकता है। छोटी मोटी रकम को छोड़कर कोई बड़ा निवेश नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों एलर्जी या दवा के रिएक्शन होने की आशंका है। परिवार में किसी के वैवाहिक संबंधों को लेकर बात चल सकती है तो रिश्ता पक्का होने की भी संभावनाएं हैं। दोस्तों घर में मांगलिक प्रसंग की रूपरेखा बनेगी। आपकी प्रभावी भूमिका से काम आसान होंगे। दोस्तों ये दो दिन जो है समस्याओं से घबराने के बजाय डटकर सामना करने की सलाह दी जाती है। पूरे उत्साह के साथ काम में जुटें, निश्चित तौर पर सफलता तक पहुँच सकेंगे आप। बॉस की हर बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। फर्नीचर के बड़े कारोबारी लाभ के लिए तैयार रहें। अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देते हुए फील्ड के जानकारों से विमर्श करना लाभकारी होगा। हड्डी रोग परेशान कर सकता है, कैल्शियम की मात्रा वाले खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में कोई विवाद होता है तो मन खिन्न ना करें, धैर्य रखते हुए विवादित विषयों पर सभी के साथ विचार विमर्श कर समाधान तलाशने का भी प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों इन दो दिनों में मानसिक रूप से एक्टिव रहना होगा। ध्यान रखना होगा कि मन का आलस आपकी सभी योजनाओं को खराब ना कर दे। करियर संबंधी समस्याएं ठीक होंगी, लेकिन ऑफिस के कामकाज में कोई जल्दबाजी इन दो दिनों में ना दिखाएं तो बेहतर है। ऑफिस में नियम कानून का पूरी तरह पालन करें। ध्यान रखें कि जो सहयोगियों के साथ आपका रिश्ता है वो अच्छा हो। विद्यार्थियों उच्च शिक्षा की तैयारी पर फोकस करिए। विदेश में नौकरी के इच्छुक हैं तो आवेदन का सही समय है। कान में दर्द उठ सकता है, परेशानी अधिक बढ़ रही है तो परिवार में भी किसी बड़े बुजुर्गों की बिगड़ी सेहत आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। तो दोस्तों ये था आपके आने वाले दो दिन, 2 जून और
3 जून कैसे रहेंगे आपके जीवन के, इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। ये 2 दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छे बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।